आज मैं आम का अचार बताने जा रही हूँ कैसे बनाते हैं। बहुत ही टेस्टी होता है ये मेरा बताया हुआ अचार। बना के फिर थोड़ा ही बनाइएगा स्टार्टिंग में, बहुत ही टेस्टी बनेगा। देखिए कितना अच्छे से तैयार हो गया है मेरा ये आम का अचार। 2 केजी आम लिया मैंने, कट किया उसको। ये देखिए ये कटिंग मैंने कट कर लिया। हल्दी और नमक मिला के रात भर छोड़ देंगे। अब लाल मिर्च, 8 लाल मिर्च लिया, 2 स्पून जीरा लिया, 5 तेज़पत्ता, सौंफ लिया 4 स्पून, काले मिर्च भी लिया 12, और धनिया 6 स्पून, मेथी लिया, ब्लैक मस्टर्ड ज़्यादा लेना है 50 ग्राम, कलौंजी, अजवाइन मंगरेला 4 अजवाइन लेना है ये सब। अब क्या करना है, रात में इसको जब कट कर लेते हैं ना तो नमक और हल्दी मिक्स करके छोड़ देना है रात भर। देखिए मैं ऐसे मिक्स कर लेती हूँ। हल्दी 50 ग्राम तक लेना, अपने अंदाज से भी ले सकते हैं नमक और हल्दी। मिक्स करके ऐसे छोड़ देना है। और ये सब जो मसाले मैंने बताए थे, इंग्रेडिएंट्स बताया था, उसको रोस्ट करके तवे पर चाहे कढ़ाई पर, फिर उसको मिक्सी में पीस लेना है। अब इसको मिक्सी में पीसने जा रही हूँ। दरदरा ही पीसना है, एकदम पतला भी नहीं करना है। तो जैसी आपकी मर्जी वैसे कर सकते हैं आप। देखिए मैंने पीस लिया ऐसे। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे 50 ग्राम, या अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। और सरसों का तेल बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है, आप बना के देखिए। मेरा तो बहुत ही अचार, मैं कई लोगों ने बोला था आप डालो वीडियो, मैंने तभी डाला। और ये देखो हींग भी है, हींग से जल्दी अचार ख़राब नहीं होते हैं, तो आप 1 चम्मच तक डाल सकते हैं। हींग गरम तेल करके भी डाल सकते हैं, और नॉर्मल जैसे रहता है तेल नहीं भी गरम कर सकते हैं, आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। मैं तो नहीं डालती गरम तेल। हींग मिला लिया। अब मसाले, अब देखिए ये मैंने रात भर छोड़ दिया था, तो थोड़ा पानी छोड़ा है, इसको फेंकना नहीं है। फेंकने का मन होगा तो फेंक सकते हो, मैं नहीं फेंकती हूँ, मैं यूज़ कर लेती हूँ। ये देखिए थोड़ा पानी छोड़ा है इसमें। अब मैं मसाले को मिला दी इसमें, सभी मसाले को मिक्स कर दूँगी, तेल को भी डाल दूँगी, सब मिक्स कर दूँगी अच्छे से चम्मच से। गरम मसाला पाउडर एवरेस्ट का डाल देंगे थोड़ा, 5 स्पून तक डाल सकते हैं, अंदाजे से थोड़ा ज़्यादा कम हो सकता है। डाल दिया मैंने, ये देखिए इतना सुंदर लग रहा है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप विश्वास कीजिए ऐसा अचार आपको खाने को नहीं मिलेगा, लेकिन उसके पहले मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें। देखिए कितना टेस्टी अचार तैयार होगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दूर दूर तक मेरा